नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 800 स्क्वायर फीट का घर बनाने में। लेबर मटेरियल सहित जितना पैसा लगा उसको मैंने अपनी इस कॉपी पर नोट कर लिया है। तो चलिए हम आपको इस कॉपी पर लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि 800 स्क्वायर फीट का घर बनाने में लेबर मटेरियल सहित टोटल कितना पैसा लग जाएगा। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि 800 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कास्ट 2022 यानी कि 2022 में 800 स्क्वायर फीट का घर बनाने में टोटल कितना खर्चा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा 800 स्क्वायर फीट का हाउस प्लान है जिसमें 3 बेडरूम है, 1, 2, 3, 8 बेडरूम है, 1 कार पार्किंग है, किचन एरिया है और इसके साथ साथ बाथरूम है और इसमें टोटल 12 कॉलम है और इसी के आधार पे हमने कैलकुलेशन किया हुआ है कि 800 स्क्वायर फीट का घर बनाने में सीमेंट, सैंड, ब्रिक, एग्रीगेट, स्टील, मेन गेट, डोर, विंडो, लेबर रेट पर टोटल कितना खर्च हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले यदि हम सीमेंट की बात करें तो पूरे घर को बनाने में 245 यानी कि 245 बोरी सीमेंट लग गया। इस सीमेंट में पूरा घर बन गया, घर का फर्श यानी कि फ्लोर बन गया और घर का प्लास्टर हो गया। तो यदि हम 245 बोरी सीमेंट के प्राइस की बात करें तो हमें मार्केट में 410 यानी कि 410 रुपये पर बैग के हिसाब से सीमेंट मिल गया था। तो चलिए हम गुणा करके देखते हैं कि 245 बैग का टोटल कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 245 बैग का 1,450 रुपये हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 1,450 रुपये का हमारा सीमेंट हो गया। सीमेंट के बाद यदि हम सैंड की बात करें यानी कि रेत की बात करें तो पूरे घर को बनाने में 804 क्यूबिक फीट रेत लग गई। तो यदि हम इसके प्राइस की बात करें तो हमारे एरिए में प्रेजेंट टाइम में 62 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से सैंड यानी कि बालू मिल रही है। तो चलिए गुणा करके देखते हैं कि टोटल कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 804 क्यूबिक फीट सैंड का टोटल 49,848 रुपये हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं तो हमारा 49,848 रुपये का सैंड हो गया। सैंड के बाद यदि हम ब्रिक की बात करें यानी कि ईंट की बात करें तो पूरे घर को बनाने में 13,153 ईंटें लगी हैं और यदि हम एक ईंट के प्राइस की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में हमारे एरिए में ईंट का जो रेट है वो थोड़ा कम हुआ है और एक ईंट हमें 6.5 यानी कि 6.5 रुपये की एक ईंट मिल गई थी। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 85,494 रुपये का ब्रिक यानी कि ईंट हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ब्रिक के बाद यदि हम एग्रीगेट यानी कि गिट्टी की बात करें तो पूरे घर को बनाने में 703 क्यूबिक फीट गिट्टी लग गई और यदि हम एक क्यूबिक फीट गिट्टी की रेट की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में हमारे एरिए में 68 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से एग्रीगेट यानी कि गिट्टी मिल रही है। तो चलिए हम गुणा करके देख लेते हैं कि टोटल कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 703 क्यूबिक फीट गिट्टी का 47,804 रुपये हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं तो 47,804 रुपये का हमारा एग्रीगेट यानी कि गिट्टी हो गया। गिट्टी के बाद यदि हम स्टील यानी कि सरिये की बात करें तो पूरे घर को बनाने में 1706 किलोग्राम सरिया लगी थी और प्रेजेंट टाइम में हमारे एरिए में कामधेन का जो सरिया है वो 67 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से मिल रहा है। तो चलिए गुणा करके देखते हैं कि टोटल स्टील यानी कि सरिये का कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 1,14,302 रुपये का हमारा सरिया हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1,14,302 रुपये का सरिया हो गया। स्टील के बाद यदि हम मेन गेट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मेन गेट लगा हुआ है और इस गेट के साइज की बात करें तो 7 फीट बाई 7 फीट है यानी कि 7 फीट बाई 7 फीट का है और 7 फीट बाई 7 फीट के एक गेट को बनाने में हमारा 26,912 रुपये का खर्च हो गया। मेन गेट के बाद यदि हम डोर यानी कि दरवाजे की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस प्लान में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी कि टोटल 7 डोर हैं और 7 डोर का हमारा 36,400 रुपये हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 36,400 रुपये में हमारे 7 डोर हो गए थे, दरवाजे हो गए थे। डोर के बाद यदि हम विंडो की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस प्लान में 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि टोटल 5 विंडो हैं और 5 खिड़कियों का मिला के 25,000 रुपये हो गया। लगभग 5,000 की हमें एक खिड़की पड़ी थी। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 25,000 रुपये की हमारी खिड़कियाँ हो गई। विंडो के बाद यदि हम लेबर रेट की बात करें तो पूरे घर को बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठेका हुआ था, वो 210 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हुआ था। इस 210 रुपये पर स्क्वायर फीट में कॉन्ट्रैक्टर जो होगा वो पूरा घर बनाएगा, घर बनाने के साथ साथ उसका प्लास्टर करेगा, फर्श बनाएगा और स्लैब यानी कि छत की भी ढलाई करेगा। इतना सब कुछ करने का 210 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ठेका हुआ था। तो चलिए देखते हैं कि 210 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से 800 स्क्वायर फीट का टोटल कितना लेबर चार्ज हो जाता है।
तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 1,68,000 यानी कि 1,68,800 स्क्वायर फीट का घर बनाने में टोटल लेबर चार्ज लग गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो 1,68,000 टोटल लेबर चार्ज हो गया। अब चलिए हम सीमेंट सैंड ईंट गिट्टी सरिया मेन गेट दरवाजा खिड़की और लेबर रेट को जोड़कर टोटल देखते हैं कि 800 स्क्वायर फीट का घर बनाने में लेबर मटेरियल सहित टोटल कितना खर्च हो गया। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 6,54,210 रुपये का खर्च हो गया। तो यदि आप 800 स्क्वायर फीट का घर बनाने की सोच रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि कंस्ट्रक्शन पर लेबर और मटेरियल सहित आपका 6.5 लाख से लेकर 7 लाख के बीच का खर्च हो जाएगा। इसमें आपका पूरा घर बन जाएगा, घर का प्लास्टर हो जाएगा, फर्श बन जाएगी, इसके बाद आपको पेंट पुट्टी सेनेटरी और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल का वर्क अलग से कराना पड़ेगा। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।